देखा। चलो बेटे, मैं कुछ इस बस्ती की तरफ से पैसे मिल गए हैं, मैं तुम्हारे लिए दूध खरीद कर लाती हूँ, आज तुम्हें पिलाती हूँ, कम से कम तुम्हारी जान बच जाए। श्रीमान प्यारे भैया, ग्राम भैरव निवासी, ये आपकी हालत देखकर आपके लिए 10 रुपया बच्चे को दूध पीने के लिए दे रहे हैं। पानी बोलते हार्दिक स्वागत है। मोरे रामा ससुरी की मारी पीटी सुनिया जाकर बीते Hey!
लगे हो रहे हैं रंजन भाई साहब मेला कमेटी की तरफ से इस बच्ची के लिए निपुल के लिए 10 रुपए इनाम देते पाली धनवाद श्रीमान रजाऊ ग्राम खैरा निवासी ये आपकी हालत देखकर 10 रुपए बच्चे को दूध पीने के लिए पार्टी को हार्दिक स्वागत है गांव के निवासी हैं उनकी तरफ से ये हमारी जानकी की हालत देखकर 20 रुपया बच्चे को दूध पीने के लिए जानकी के लिए खाने के लिए पार्टी को हार्दिक स्वागत है हेलो 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 और आगे हमारे भैया गंगा प्रसाद भैया इसी गांव के निवासी हैं उनके तरफ से 21 रुपए बच्चे के लिए दूध पीने के लिए देते पार्टी में गंगा देते हेलो वही पुराने मेला कमेटी के अध्यक्ष हौसला भाई उनकी तरफ से 10 रुपए आपके बच्चे को दूध पीने के लिए पार्टी को हार्दिक स्वागत है पढ़ा लिखा के और 10 रुपया हमारे भैया की तरफ से बच्चे के लिए स्पेशल है पार्टी को हार्दिक स्वागत है जानकी हेलो कमलेश भैया इतने इतने माता बैठे हैं ये आपकी हालत देखकर कमलेश भैया इसी गांव के निवासी ये 50 रुपया आपकी हालत देखकर आपके लिए दे रहे हैं पार्टी को हार्दिक स्वागत है और सजनवा बैरी होई गए हम हरकरण सिंह अपनी हवेली में बैठे रहते हैं और इन्हीं की छोटी बहन
अनीता कॉलेज से वापस आती है और देखे बहन और भाई में क्या बातचीत होती है। श्री वरन भाई होटल वाले उनकी तरफ से 10 रुपया आने जाने किराया मिल रहा, तारीख और हार्दिक स्वागत है। मैंने बलकरण सिंह की सारी जमीन लिखवाकर अपने नाम करवा लिया और उसकी बीवी को मैंने घर से बेघर करवा लिया और अब हमारे पास इतनी जागीर है ना अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। हाँ दोस्तों, देखिए हरकरण सिंह अपनी हवेली में बैठे हैं और इन्हीं की बहन और अलीता पहुंचती है और बहन भाई में क्या बातचीत होती है। भैया आज आपके पास कुछ खास लेकर आई हूं। श्री भैया चंद्र भाई से न करा दीजिए, उनकी तरफ से 11 रुपया पार्टी को हार्दिक स्वागत है। चमन चमन की शेयर कराऊं और इसी के वास्ते आपके पास इजाजत लेने आई हूं। बहन आप क्या कह रहे हैं भैया? तो जानते हैं माँ और पिता जी के गुजर जाने के बाद मैंने तुझे अपने पलकों पर बिठाया है। हाँ भैया, तू मेरी अच्छी बहन है ना, अच्छी बहन है ना। क्यों नहीं भैया, हम मानते हैं कि इस हवेली में तेरा शिव उब गया हो है जी। बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा है, सोच रही है, इसीलिए तू आज मेरे पास आ गई। हाँ भैया, और कहा कि जाकर अपने भैया से कह दो कि आज भैया हमें चमन जाना है कि नहीं। हाँ भैया, अच्छी बात है भैया। आप तो जानते हैं
कि आपके बगैर, आपके इजाजत के बगैर ये आपकी बहन अनीता कहीं जाना मुनासिब नहीं समझती। मेरी बात सुन बहना। और मेरी बहना तू है, टुकड़ा है तू। क्यों नहीं भैया, लेकिन आप से मैंने जो कहा उसके विषय में आपने कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ, शमन जाना चाहती है ना? हाँ भैया। हवेली में तेरा दम घुट रहा है इसलिए। तू चमन जा और साथ में इस कलुआ को भी साथ में लेके जाना। पहले मैं भेज दूंगा ना एक कलुआ को, मैं साथ में चले जाना। और सुनो, शाम होने से पहले अपनी हवेली जरूर आ जाना। ये कलुआ तुम्हारे साथ में जाएगा, ठीक है भैया, तुम्हारी हिफाजत के लिए। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। शाम होने से पहले मैं ठीक है जाऊंगी। अच्छा, मैं चलती भैया। हेलो, हमारे पुराने मेला कमेटी के अध्यक्ष हौसला भाई, उनका कहना है अनीता भाई के लिए 20 रुपया दे रहे स्पेशल। उनका कहना है कलुआ न जाई, तुम्हारी बहनी के साथ चमन घुमावे हम जाब। उनकी तरफ से 20 रुपया हमारे कलाकार के लिए स्पेशल। पानी को हार्दिक स्वागत है। एक तो मैं हौसला बता देना, हम बहुत हरामी ठाकुर हैं, पंगा नहीं लियो। जानते हो हम बहुत खराब आदमी हैं, बहुत दर्द तुम्हारी बातें सुन है, बक 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 कर रहे हो, पंखा न लियो। हमको जानते हो हम पैदाइशी ठाकुर हैं। उधर मेरी बहन चमन घूमने जा रही है। हाँ। तुम उसके साथ जाओ, ठीक है। अगर कोई बात अगर दिक्कत में हो तो तुरंत हमको आकर बताना, ठीक है। नहीं मेरी बात। हाँ दोस्तों, इधर हरकरण सिंह की बहन अनीता चमन घूमने जाती है। चमन में क्या दुर्घटना होती है आपको सीन बताएगी। हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भैया की तरफ से 11 रुपया स्पेशल है। पानी को
बेटा जो गोकुल था वो ट्रेनिंग के लिए भोपाल गया हुआ था और अपने गांव वापस आता है और अपने दिल में क्या क्या तमन्नाएं लेकर निकलता है दोस्तों, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्या बताऊं, आज से लगभग 6 महीने हो गए मैं घर नहीं गया हूं। मैं भोपाल आया था पुलिस ट्रेनिंग के लिए। आज मैं अपने घर जा रहा हूं और मैं सोचता हूं कि कोई मुझे काम मिल जाए तो कितना बेहतर रहेगा। इसमें मेरा पढ़ाई का भी खर्च निकलेगा और घर का भी खर्च निकलेगा, मैं पिताजी का हाथ भी बटा लूंगा। गोकुल भैया क्या बात है, आज आपका हाँ, लेकिन हम भी चल रहे हैं घर। तुम भी घर चल रहे हो? हाँ। लेकिन घर के हाल चाल तो सब ठीक है ना? हाँ, घर के हाल चाल ना मुझे सब ठीक है ठाक है। अच्छा हाँ, चलो घर को चलते हैं। और बापू कैसे हैं? बापू भी ठीक है। बापू ठीक है हाँ। वीर भारत के हैं, वीर भारत के हैं, धमकी में आ सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते बहती नदिया से पूछो
ये जो चक्का के ड्राइवर 50 की मौत से 10 रुपया आपके लिए स्पेशल है, पार्टी बर्थडे हार्दिक स्वागत है। स्वागत है।